बीजेपी ने शनिवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपनी पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में बीजेपी ने गुना शिवपुरी से मौजूदा सांसद केपी यादव का टिकट काट कर ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रत्याशी घोषित कर दिया है। याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव जब सिंधिया कांग्रेस में थे और केपी यादव को बीजेपी ने उनके खिलाफ मैदान में उतारा था और केपी यादव ने सिंधिया को हराकर ये सीट बीजेपी की झोली में डाल दी थी, लेकिन उसके बाद वक्त बदला और सिंधिया बीजेपी में आ गए। तभी से केपी यादव और सिंधिया के बीच पूरे 5 साल प्रोटोकॉल का मामला उठता रहा। सिंधिया का जब भी गुना शिवपुरी में कोई कार्यक्रम होता था, केपी यादव उस कार्यक्रम से दूरी बना लेते थे। अब चलिए आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताते हैं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि आखिर केपी यादव के टिकट कटने की वजह क्या रही। सबसे पहले आता है प्रोटोकॉल। ज्योतिरादित्य सिंधिया जब से बीजेपी में आए तभी से केपी यादव और सिंधिया के बीच प्रोटोकॉल को लेकर सवाल उठने लगे। केपी हमेशा ये आरोप लगाते रहे कि सिंधिया के किसी भी कार्यक्रम में ना ही उन्हें बुलाया जाता है और ना ही उनके फोटो बैनर में होते हैं। केपी के 5 साल। केपी यादव सांसद रहते हुए अपने क्षेत्र के लिए कुछ खास नहीं कर सके। एक मेडिकल कॉलेज के लिए हालांकि वो कोशिश करते रहे, लेकिन वो भी रुक गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वो घोषणा आज भी सिर्फ घोषणा बनकर रह गई है। हाल ही में हुए पासपोर्ट सेवा केंद्र पर राजनीति। अभी हाल ही में आपको याद होगा जब केपी यादव गुना में बनाए गए पासपोर्ट सेवा केंद्र का निरीक्षण करने पहुंचे थे, लेकिन उस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करके आ गए और इसे ही वो अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि भी बताते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान सिंधिया थे काफी एक्टिव। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी सिंधिया गुना शिवपुरी लोकसभा सीट पर काफी एक्टिव थे। आए दिनों उनकी कोई ना कोई सभा इस क्षेत्र में होती ही रहती थी। तभी से ये अटकलें लगने लगी थी कि अगर सिंधिया को विधानसभा चुनाव में पार्टी ने टिकट नहीं दिया है तो हो सकता है कि वो लोकसभा चुनाव के लिए यहां से उम्मीदवार बना दिए जाएं। अब जब बीजेपी ने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से सिंधिया को अपना उम्मीदवार बना ही दिया है तो ऐसे में पार्टी केपी यादव को भी नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती, क्योंकि ये इलाका यादव बाहुल्य माना जाता है।